अंकसपुर नामक एक गांव में था एक आदमी चंपकलाल सेठ, जो सोने का कारोबार चलाता था। गांव में हर कोई चंपकलाल के पास अपना सोना गिरवी रखकर पैसे लिया करते थे। एक दिन लीला नामक एक लड़की, जो एक जाने माने घराने से थी, सेठ जी के पास आई। चंपकलाल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पता नहीं इतने अमीर घराने की लड़की मेरे पास क्यों आई? कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा। बोलिए मेम साहब, क्या बात है? सेठ जी, इस बारे में आपको भी पता है, जब मेरे पिताजी जीवित थे, आपको पता है ना, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी। पर अभी हमारी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, बोलिए। अगर हमें पहले जैसा रहना है तो हमें एक गुप्त खजाने के संदूक ढूंढना पड़ेगा, जो मेरे पिताजी के पास था। इतने सालों तक उन्होंने उसको छुपा के रखा था, और अब हमें उस संदूक का पता लगाना पड़ेगा। पिताजी के अलावा और किसी को इसके बारे में नहीं पता। मैंने अपने सब नौकरों को सारे गांव में ढूंढने को बोला है। संदूक मिलने के बाद मैं आपके पास आऊंगी और आपको सब बेच दूंगी। आप उस खजाने का मूल्य देखें और मुझे उसके बराबर पैसे दे दें। वाह रे वाह, गुप्त खजाना, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं मेम साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आपका काम खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाना। लीला फिर वहां से चली गई। घर जाने के बाद उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने चंपकलाल सेठ से बात कर ली है। उसको मेरी बातों पर विश्वास भी हो गया। उसको कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप में बात की। अब बाकी का काम तुम लोग संभालो। कमरे से सारे मटके ले आओ, नकली सोना लाओ और काम पे लग जाओ। मेम साहब, इन सब चीजों पे नकली सोने का लेप तो लगाना मुश्किल नहीं है, पर पकड़े जाने का अवसर है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। सारा नकली सोना नीचे भर के ऊपर ऊपर से कुछ असली सोना भी डाल के दे दूंगी। अब अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा सा निवेश भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है मैम साहब, आप जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे। और बस इतना ही नहीं, सारे चीजें असली सोने की तरह चमकनी चाहिए। सब ने लीला की बात मानी और काम पे लग गए। लीला अपनी योजना के अनुसार काम करवा रही थी, और इसी दौरान चंपकलाल ने ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बोला कि जल्द उसको ढेर सारा खजाना मिलने वाला है। 3 दिन के बाद लीला खजाना लेकर चंपकलाल के पास गई। चंपकलाल जी, हमारे घर में एक कुआ है, मेरे पिताजी ने सारा खजाना वहीं पे रखा था, ये देखिए। लीला ने ढांपे हुए कपड़े को हटाया और चंपकलाल को सारा खजाना दिखाया। चंपकलाल भी इतना खजाना देखकर खुश हो गया। सेठ साहब, आप इतना चौंक क्यों गए? क्या ये सोच रहे हो कि ये असली है या नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब, आइए आइए अंदर बैठिए। सेवकों, संदूक को अंदर रख दो। चंपकलाल इतना चौंक गया था कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। ये तो बहुत सारा सोना है मेम साहब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जी तो आप मुझे जांच के कब बताओगे इस सोने का मूल्य? अरे मेम साहब, इसको जांचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस आप इस सारे सोने को मुझे बेच दे और पैसे ले जाए। ये कैसे संभव है? आपको सोने की जांच तो करनी चाहिए, मुझे बाद में कोई परेशानी नहीं चाहिए। आप अभी मेरे सामने ही इसको जांचो। जी आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत, मैं अभी देखता हूँ, इधर लाइए। लीला ने सेठ को कुछ चीजें दिखाई, जैसे कि एक छोटा सा मटका,
एक भगवान की मूर्ति और असली सोने का हार। ये काफी है जांचने के लिए, या और दिखाऊं? अरे नहीं मेम साहब, इतना ठीक है। और मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगा तो और किस पे करूंगा, है ना? चंपकलाल ने बाकी के खजाने को जांचा नहीं और लीला को पैसे दे दिए। लीला ने तुरंत पैसे लिए और वहां से चली गई। चंपकलाल को लीला पर पूरा यकीन था और उसको सारे सोने का बराबर पैसा दे दिया। चंपकलाल ने अपनी पत्नी सरस्वती को सब बताया। वह अपनी पत्नी को दुकान पर ले गया सारा सोना दिखाने के लिए। सरस्वती इतना सोना देखकर खुश हो गई, पर उसको लीला के अलग से दिए गए सोने में और बाकी के सोने में कुछ अंतर दिखा। अब सरस्वती को शक होने लगा। असली सोना और नकली सोना बाजों में रखकर देखने पर उसमें अंतर नजर आ रहा था। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगा? क्या गड़बड़? जो सोना हमारे दुकान में है उसमें और लीला के सोने में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। रंग थोड़ा अलग है ना? हाँ सही, पर ये बहुत सालों से कुएं में था ना, शायद इसीलिए। अगर ये कुएं में था तो ये सोना पुराना लगना चाहिए ना, इतनी चमक क्यों है इसमें? इधर लाने से पहले इसको अच्छे से साफ किया होगा ना? अच्छा ठीक है, आपने सोने को लेने से पहले जांचा है ना? हाँ, उसने खुद थोड़ा सोना दिया जांचने के लिए। उसने मुझे एक भगवान की मूर्ति, एक छोटा सा मटका और एक हार दिया था। उसने मुझे बाकी के खजाने को भी जांचने को कहा। मैं इतना खुश था कि मैंने बाकी का सोना जांचना जरूरी नहीं समझा। आपने यही गलती की, वो तीन चीजें मुझे जरा दिखाइए। चंपकलाल ने लीला के अलग से दिए हुए तीन चीजों को लाया। सरस्वती ने तीनों को जांचा। जैसे चंपकलाल ने कहा था, ये तीन असली सोने के थे। लेकिन जब सरस्वती ने बाकी के खजाने को जांचा तो सब कुछ नकली निकला। देखा, उसने आपको ठगाया है। किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। ओह, अब क्या करें सरस्वती? कहते हैं कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। मेरे पास एक योजना है, चलिए। दोनों ने खजाने का संदूक लिया और अपने घोड़े पर रखकर निकल गए। रास्ते में उनकी मुलाकात सरस्वती के भाई श्याम से हुई। सरस्वती ने अपने भाई को सब कुछ बताया और फिर तीनों मिलकर लीला के घर गए। लीला तीनों को उसके घर की ओर आते हुए देखकर घबरा गई कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। जो भी हो, मुझे इस परिस्थिति से निकलना ही पड़ेगा। लीला जी, ये मेरा देवर है श्यामलाल जी। नमस्ते। लीला जी, ये सारा सोना खरीदना चाहता है और पैसे भी लाए हैं, तो ये आपसे सारा सोना लेगा और फिर आपको पैसे दे देगा। अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूं और श्यामलाल मुझे पैसे देगा, है ना? ठीक ठीक। लीला ने सारे पैसे चंपकलाल को वापस कर दिया। उन्होंने लीला को सोना वापस किया और पैसे लेकर तुरंत वहां से चले गए। श्यामलाल जी, आप ये सारा सोना ले लो और मुझे पैसे दे दो। हाँ जी जरूर, मैं आपको दे दूंगा, पर पहले मैं इन सब को जांच लूं और फिर मैं आपको केवल असली सोने का पैसा दूंगा। श्याम की बातें सुनकर लीला को शक हो गया। श्याम सोने को जांचने लगा। सिर्फ वो तीन चीजें असली थे और बाकी के। इसी दौरान चंपकलाल ने ग्राम प्रधान को लेकर लीला के घर आ पहुंचा। उसने सबको बताया कि कैसे लीला ने उसको धोखा दिया और श्यामलाल ने भी गवाही दी और सबूत भी दिखाया। अंत में लीला को अपने कर्मों के लिए दंड दिया गया। जो आप पर विश्वास करता है उसको कभी भी धोखा नहीं दे। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से होशियारी से निकल सकते हैं। एक बार थी एक लड़की कावेरी नामक।
अपनी उम्र से भी ज्यादा जिम्मेदारियां उसके सर पर थी। वह अपने दो छोटे बहनों का और एक छोटे भाई का ख्याल रखती थी। उनकी पढ़ाई और रोजी रोटी के लिए वह कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थी। भोरियां उठाती थी, सब्जी बेचती थी और ग्राम प्रधान के घर में भी खाना पकाती थी अधिक पैसे कमाने के लिए। हर रोज बाहर काम करके घर आकर अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाकर घर के काम काज भी संभालती थी। छोटे भाई बहनों के घर आने के बाद थोड़ा समय उनके साथ खेलने में भी बिताती थी। जैसे छोटे बच्चे बड़े होते गए, उनके खर्चे भी बढ़ने लगे। कावेरी चिंतित होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। हर रोज की तरह जब वह काम के लिए निकली, एक दिन उसको रास्ते में एक सोने का अंडा मिला। अंडे के पास गई तो अंडा चमक रहा था। अंडे को हाथ में लिया और जांचा। उसी समय उसको पता चल गया था कि वह अंडा सच में एक सोने का अंडा है। कावेरी सोचने लगी कि अब वह इस अंडे का उपयोग कैसे करेगी। अब मैं इस अंडे के साथ क्या करूं? क्यों ना मैं इसे महाराजा के पास ले जाऊं, शायद वह मेरी मदद कर दे। ऐसा सोचकर वह अपने काम पे गई राजमहल में खाना बनाने के लिए। खाना तैयार करते समय वह सोच रही थी कि वह राजा को अपनी बात किस तरह से बोले। इसी दौरान कावेरी का सहकर्मी वीरा ने उसकी ओर देखा और पूछा, कावेरी जी, आप इतना क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या? वीरा, एक बात बोलूं, मुझे एक सोने का अंडा मिला है आज रास्ते में। ऐसा कहकर कावेरी ने वीरा को अंडा दिखाया। वीरा को तुरंत समझ में आ गया कि यह अंडा असली सोने का था। वीरा के दिल में लालच पैदा हो गई और अंडे को अपने हाथ में ले लिया। कावेरी जी, आप अपने आप को इतना परेशान मत करो, मैं खुद जाकर महाराजा को इस बारे में बताऊंगा। सच में वीरा? ठीक है, कृपया आप अब तुम ही जाकर महाराजा को सब कुछ बता दो। वीरा अंडे को लेकर चला गया, पर महाराजा के पास नहीं ले जाकर वीरा ने अंडे को अपने ही घर ले गया और अपनी पत्नी को दे दिया। ये असली सोने का अंडा है, किसी को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए और इसको छुपा के रखना। अगले दिन कावेरी ने वीरा को अंडे के बारे में पूछा। सोने का अंडा? ऐसा मत बोला करो मेरी जान, लोग तुम पे हंसने लगेंगे। क्यों वीरा, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो? तुमने महाराजा को सब कुछ बोला है या नहीं सोने के अंडे के बारे में? कौन से सोने के अंडे के बारे में, और मैं क्यों ऐसा कुछ बोलूंगा? क्या तुम तो ले गए थे ना मुझसे कल? दोनों की बहस चल रही थी जब महल के सैनिक वहां पर आए और उनको महाराजा के पास ले गए। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे थे? महाराजा, मुझे लगता है कावेरी सटिया गई है। पता नहीं किसी सोने के अंडे के बारे में बोली जा रही है और कहती है कि उसने मुझे दिया है। सोने का अंडा होता है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो कावेरी? महाराज, कल रास्ते में मुझे सच में एक असली सोने का अंडा मिला था। मैंने खुद देखा और मुझे पूरा विश्वास है कि वह असली सोने का था, और मैं उसको इधर ले आई आपको देने के लिए ताकि आप मेरी मदद कर सके। पर सीधा आपसे आकर बात करने से मैं थोड़ा डर रही थी, तो वीरा ने बोला कि वह खुद आपको देगा और सब बताएगा, परंतु वह अंडे को अपने साथ ही ले गया और आज ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, अभी के लिए तुम दोनों जाओ और अपना अपना काम करो, मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। सबके निकलने के बाद महाराजा ने चुपके से अपने एक सैनिक को बुलाया। कावेरी और वीरा पर नजर रखना, इनकी हर चाल चलन को जांचना, और कुछ भी गड़बड़ लगे
तो तुरंत मुझे बताना। महाराज के आदेश का पालन करके सैनिक उन दोनों पर नजर रखने लगा। सैनिक ने देखा कि कावेरी बहुत मेहनती लड़की थी, जो कठोर परिश्रम करके अपने भाई और बहनों का ख्याल रखती थी। उनको पाठशाला भेजकर महल आती थी काम पे। ज्यादातर वह अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर परेशानी रहती थी। दूसरी ओर वीरा के चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। अपनी पत्नी के साथ छिपकर बातें करता था, रोज की तरह महल में अपना काम करता था, पर एक दिन काम समाप्त होने के बाद रात को चोरी छुपे एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वीरा ने एक थैले को उठाया। सैनिक ने देखा कि वीरा पेड़ से नीचे उतरकर उस थैले से एक सोने के अंडे को बाहर निकाला। लालच और खुशी से उसने अंडे को चूमा और वापस रख दिया। अगले दिन ही सैनिक ने सब कुछ महाराजा को बता दिया। तुरंत महाराजा ने वीरा और कावेरी को दरबार में बुलाया। कावेरी, तुमने सोने के अंडे को अपने लिए ही क्यों नहीं रखा? अच्छी रकम में बेचकर तुम अपने भाई और बहनों का खर्चा उठा सकती थी ना? महाराज, पैसे आज रहेंगे पर कल नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ही ईमानदारी से ये सौंप दूं, तो शायद आप मुझे कोई अच्छी नौकरी दे दे जहां मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, ताकि मैं जीवन भर बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो कावेरी, मैं तुम्हारे भाई और बहनों की जिम्मेदारी लूंगा। मैंने पहले ही उनकी पढ़ाई के लिए प्रबंध कर दिया है। आज से इस महल में जो कुछ होगा पहले तुम्हारे पास आएगा। हर एक चीज का निर्णय अब तुम लोगी। अपनी जिम्मेदारियां तो मुझ पे छोड़ देना और इस महल की जिम्मेदारी खुद ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मैं धन्य हो गई। और वीरा, मेरे सैनिक को तुम्हारे घर के पेड़ के पास एक थैला मिला है और उसमें था एक सोने का अंडा। महाराजा से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? सैनिको, तुरंत इसको ले जाओ और बंद कर दो। अनुशासन का मतलब है कि कोई भी काम उसी तरह करो जिस तरह करना चाहिए, चाहे कोई तुम पे नजर रखे या नहीं। एक बार रहता था एक चालू व्यक्ति अशोक नाम का। कुछ भी किसी को भी बेचना उसकी कला थी। कोई जानवर ही क्यों ना हो, वह आगे वालों को विश्वास दिला देता था कि यह कोई अनोखी चीज है। बेचारे लोग उसकी बातों में आकर खरीद लेते थे। यही उसका कमाने का तरीका था। एक दिन अशोक की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप कोई इज्जतदार काम क्यों नहीं करते? लोगों को धोखा देकर क्यों कमाते हो? अगर ऐसा ही करते रहोगे तो एक दिन आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। अशोक ने पत्नी की बातों का ध्यान नहीं दिया, जल्दी से भोजन किया और घर से निकल गए ये सोचते हुए कि अब वह और पैसे कहां से लाए। तभी उसने सुना क्वैक क्वैक। उसके सामने था एक बत्तख, जिसको देखते ही उसके दिमाग में एक विचार आया। चोरी छुपे उसने बत्तख को उठाया और फिर शहर की ओर निकल पड़ा। अब वह एक नया बलि का बकरा की खोज में था। जिसको अपनी बातों से आकर्षित करके बत्तख को बेचना चाहा। थोड़ी देर में एक भोला सा आदमी बस से उतरा। अशोक उस आदमी को सुनाए दिए जैसे बत्तख से बात करने लगा। ओ बत्तख, तू तो सोने के अंडे डालती है, परंतु मैं तेरा ख्याल रखने के लायक ही नहीं हूँ, क्या करूँ? भोले आदमी ने अशोक की बातें सुनी और पूछा, सुनिए, क्या ये सच है कि ये सोने के अंडे डालती है? बेशक ये सच है, मगर इसको अगर सोने के अंडे डालने हैं तो इसे अच्छे से खिलाना पिलाना पड़ेगा।
मैं बहुत गरीब हूँ ये सब करने के लिए, इसीलिए पता नहीं क्या करूँ। भोले आदमी को बुरा लगा। वैसे आप कौन हो, इधर नए आए हो क्या? जी हाँ, मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। सच में? तो इस बतख को लो, ये सोने के अंडे देती है ना। मैं तो इसे नहीं पाल सकता, पर तुम इसकी देखभाल करके इसके अंडे भी ले सकते हो, फिर तुम अमीर बन जाओगे। चलो अब मैं काम ढूंढने निकलता हूँ। आप कितने दयालु हो, मैं उसको अवश्य ले लूंगा, पर इसके बदले आप ये थोड़े से पैसे ले लो मुझसे। भोले आदमी ने अशोक को अपना सारा पैसा दिया और चला गया। कई दिन बीत गए और अशोक के पैसे भी खत्म हो गए। फिर से पैसे कमाने के लिए तरीके सोच रहा था, जब अचानक से उसने सुना मैं। उसके सामने एक बकरा था। फिर से चोरी छुपे बकरे को झपटा और शहर की ओर निकला अपनी चाले चलने। इस बार फिर से कोई नया आदमी बस से उतरा। अशोक जोर से बात करने लगा। हे बकरे, मेरे सवाल का जवाब दे, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अशोक ने बकरे को चोरी से ढकेला और बकरा बोला, मैं। शाबाश मेरे बकरे, तूने सही जवाब दिया, वो भी एक बार नहीं दो बार बोला। नया आदमी ने इनकी बातें सुनी और पूछा, वाह ये बकरा कितना अच्छा बोलता है, और क्या बोलता है ये? अच्छा ये सुनो, ओ बकरे, जून के पहले कौन सा महीना आता है? फिर से अशोक ने पीछे से बकरे को धक्का दिया। मैं। वाह कितना अनोखा है ये, क्या मैं इसको अपने साथ ले जाऊं? हाँ, पर मैंने इस बकरे को बहुत भारी रकम में खरीदा था, मैं इसको ऐसे ही नहीं दे सकता ना। ओ कोई नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, बस आप अपना रकम बोलो, मुझे बस ये अद्भुत बकरा चाहिए। अशोक ने अच्छी खासी रकम में बकरे को बेचा और खुशी से घर चला गया। अशोक के जाने के बाद वो पहला वाला भोला आदमी बत्तख को लेके शहर वापस आया। जब उसने दूर से इस आदमी को बकरे से बात करने की कोशिश करते हुए देखा, उत्सुक होकर वह उसे जाकर पूछा, सुनिए मैं आपको वहाँ से देख रहा था, आप ठीक तो हो ना? एक बकरे से क्यों बात कर रहे हो? ओफो तुम्हें पता ही नहीं, ये कोई साधारण बकरा नहीं है, ये बोलता है। वैसे तुम्हारे बत्तख का नाम क्या है? मेरी बत्तख भी अनोखी है, ये सोने के अंडे डालती है, पर बहुत दिन हो गए मैंने इसको अच्छे से खिलाया पिलाया, पर इसने एक अंडा भी नहीं डाला। मैं इसके मालिक से मिलने आया हूँ पूछताछ करने के लिए। ओ मुझे भी यही मसला है, मैं इस बकरे को बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ तब से, पर ये मैं के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। चलो हम साथ में इस मसले को सुलझाते हैं। दोनों साथ चलने लगे। जब उन्होंने कुछ दूर अशोक को देखा, बकरे वाला आदमी ने अशोक को पुकारा। जब बत्तख वाले को भी पता चला कि एक ही इंसान ने उन दोनों को ये जानवरे बेचे थे, अशोक को सुनाई नहीं दिया और बस अपने घर की ओर चलता रहा। दोनों आदमियों ने अशोक का पीछा किया उसके घर तक। उन्होंने अशोक को अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हुए सुन लिया। इसने तो हमें धोखा दिया है। हाँ हम इसकी बातों में आ गए, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक योजना है। पहले वाले ने अपने आप पर सोने का रंग लगाया और मूर्ति बनने का नाटक किया। दूसरे वाले ने उसको उठाया और अशोक के घर के आसपास घूमने लगा।
योजना के अनुसार अशोक की नजर उन पर पड़ी और वह बाहर आया पूछताछ करने। हे, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारा बकरा किधर है? बकरा ठीक है और सुरक्षित और कुछ न कुछ बोलते ही जा रहा है। आहा, कमाल है। वैसे ये मूर्ति लेकर कहाँ जा रहे हो? किसी को बोलना नहीं, ये मूर्ति असली सोने की बनी हुई है। पर तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो? अब मैं इस शहर में नया था और आपने अपनी मेहरबानी मुझ पे दिखाई उस शानदार बकरे को देकर, तो इसीलिए मैं केवल आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब क्या करोगे इस मूर्ति का? मैं इसको पूरी तरह से पिघलाकर सब बेच दूंगा। क्या तुम मेरी दयालुता के लिए कुछ करोगे? तुम मुझे ये मूर्ति दे दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम दूंगा। तो अशोक ने आदमी को बहुत पैसे दिए और मूर्ति को कपड़े से ढांप दिया। अंदर गया अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, पर जब वो आई तो वहाँ पे मूर्ति थी ही नहीं, केवल एक कपड़ा जमीन पर पड़ा था। अशोक आश्चर्यचकित रह गया, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसी को बेवकूफ बनाया गया। मैंने आपसे बोला था एक ना एक दिन उल्टा आपको ही सहना पड़ेगा, और बस आज वही हुआ। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी।